प्रथम लागू दो चरनी को धनिये ना छुड़ायो खिन लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजरी खोलो बातूं पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन मेरे जीव के एही जीवन। हक हेड़ी में एही बसे मैं लाड पालों रूहों के ए हक हुज्जत आवे तीनों तन असल अरश में जे तन असल अरश में जे। प्रणाम जी सुंदर साहब जी सबके चरणों में कोट अन कोट प्रणाम जी। धनी के लाडले प्यारे सुंदर साहब जी धाम धनी अक्षाती शिराज जी हम सभी सुंदर साध को कुलजम वाणी सिंगार की वाणी हमें किस धरातल पर लेकर जा रही है हमें हमारी निस्बत की मार्फत की पहचान करवाने जा रही है हमारी धनी से वाहिदत क्या है हमने सागरवाणी को भी सुना सागरवाणी हमें हकीकत की पहचान करवा रही है सिंगार की वाणी धनी हमसे कितने लाड करते हैं हमें पहचान करवा रहे हैं कि राज्य के दिल में है क्या। हक हेड़े में एही बसे मैं लाड पालूं रूहों की धनी हमसे कितना लाड करते हैं प्रेम करते हैं उनके दिल में अपनी रूहों को प्यार करने के सिवा कुछ है। धनी के दिल में गंजान गंज सागर भरे हुए हैं प्रेम करने के और वो चौपाई में भी कह रहे हैं हक हेड़े में निस दिन सुख देहूं रूहों अपार जिन रूह लगी हुए अंदर सो जाने की जानन हार। ये प्रकरण 11 नंबर प्रकरण की 39 नंबर चुपाई है। इसका शीर्षक क्या है खुले अंग छाती का वर्णन। राजी ने सागर ग्रंथ की वाणी में नख से शिख तक शोभा का वर्णन करके हमें सुनाया। तीन बार राजी ने अपनी शोभा का वर्णन बताया दो बार श्यामा जी की शोभा का वर्णन बताया और एक बार हम सब सुंदर साथ की रूहों की क्या शोभा है उसका वर्णन करके भी बताया। लेकिन सिंगार की वाणी में उन्होंने चार बार नख से शिख तक की शोभा का वर्णन करके हमें बता दिया। क्या जरूरत है बताने की एक बार भी वर्णन कर सकते थे दो बार भी वर्णन कर सकते थे सात सात बार वर्णन करने की क्या जरूरत थी। क्यों वो हमसे क्या करते हैं लाड करते हैं। हमने तो परम धाम में बहुत डिंगे मार ली हमारा इश्क बड़ा हम भूलेंगे नहीं लेकिन माया की लहर ऐसी आई
वो जो हमारा दिल था वो बदल गया, माया के इस सागर में आ गए हम, सब कुछ भूल बैठे। लेकिन धाम धनी ने अपनी निस्बत को निभाया, हमारी निस्बत की हमें पहचान करवाई, और वही हमें बता रहे हैं कि रूहो मेरे दिल में आपके लिए क्या लाड है, मैं आपसे कितना लाड करता हूँ, मैं वो पहचान बता रहा हूँ जो मैं आपको परमधाम में भी नहीं करवा सका। हम अपनी निस्बत की हकीकत की पहचान तो परमधाम में करते थे, लेकिन निस्बत की वाह हकीकत से मार्फत क्या है, मार्फत की पहचान वो अब हमें यहाँ पर करवा रहे हैं। हक हैड़े में यही बस राज, हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, बिगर चाहे सुख देते हैं तो मांगिया क्यों ना देवे। अब राज जी जब बिना बात पे हमें सुख देते हैं तो यहां पर अब हमने उनसे सुख मांगा, इश्क का पहचान करवानी चाहिए हमने, तो अब राजी हमसे कितना इश्क करते हैं उसकी पहचान भी हमें यहाँ पर बता रहे हैं। लाड दे करके उनके दिल के अंदर कितना सुख भरा हुआ है, मैं लाड पालूं रूहों के, मैं तो रूहों से क्या करता हूँ, लाड करता हूँ। वह अपने लाड पालने के लिए धनी आए, हमारे लाड पालने वतन पार से पार, कहाँ से आए, उस अक्षातीत परम धाम शर अक्षर योग माया का ब्रह्मांड और उस परम धाम से। इसलिए अब हमें क्या करना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहां है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनों सुरता यही संभाल। हमें अपनी सुरता को उस परम धाम में लेकर के चलना है जहां हमारे प्रीतम हमसे कितना लाड कर रहे हैं, और ये हुज्जत किसी आएगी, ए हक हुज्जत आवे तीनों, इसकी लज्जत कौन लेगा, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही इसकी लज्जत लेंगी, दुनिया के जीव इस लज्जत को नहीं ले सकते। दुनिया की जितने भी जीव हैं, जीव सृष्टि जिसे कहा जा सकता, वो जन्म जन्मांतरों के कर्मों की गठड़ी अपने सिर पर बांध लेते और किस रास्ते पर चलते हैं, नवदा प्रकार की भक्ति की तरफ चल पड़ते। वो नौ प्रकार की भक्ति करेंगे, उनसे दास भक्ति करवा लो वो कर लेंगे, श्रवण भक्ति करवा लो उसमें भी पूरे उतरेंगे, अर्चना भक्ति करवा लो, वात्सल्य भक्ति करवा लो, चरण पाद सेवा वो भी कर लेंगे, आत्मनिवेद भी कर लेंगे, सब भक्तियां कर लेंगे, लेकिन वो उस प्रेम को नहीं जानेंगे कि हम अक्षातीत जो पार ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो कितना लाड करते हैं, उनके दिल में सबके लिए कितना प्रेम है, वो इस प्रेम के रास्ते पर उनको चलाना चाहो तो नहीं चल पाएंगे। प्रेम का रास्ता खांडे की धार और आसान से भी आसान, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पुंचावे मिने पल, यदि वो प्रेम हमारे हृदय में आ जाए तो हम जो कल्प कितने कल्प तप करने पर भी जो सुख नहीं मिलते, वो सुख जो है प्रेम आने पर मिल सकते। उस प्रेम को पा करके हम अपनी आत्म को जागृत कर सकते। यदि हम उस प्रेम को जानेंगे तो, और उससे पहले हम अपनी उस निस्बत की पहचान करेंगे, अगर परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वही इस प्रेम के रास्ते पर चलती हैं और उस निस्बत से अपनी वाहदत को जानती हैं, अपनी खिलवत में डूब जाती,
कहते हैं ए होए ना बिना निस्बते, इत ही हुई हक वाहिदत, निस्बत वाहिदत ए कई, तो क्यों कहिए जुदी खिलवत। निस्बत के बिना, ए होए ना बिना निस्बत, निस्बत से जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं वो इस रास्ते पर चलती हैं। जब उस रास्ते पर प्रेम का मार्ग अपना लेती हैं, इश्क के रास्ते पर चलती हैं, विरह में डूब करके अपने प्रीतम को पा लेती। ए होए ना बिना निस्बत, इत ही हुई हक वायदत, तो उनके दिल में नख से शिख तक की शोभा जो हमारे धामधनी ने सिंगार की वाणी में हमें दी। और खुले अंग छाती का वर्णन करके बता, उन्होंने अपनी शोभा का वर्णन, चरणों की शोभा को बताया। मेरे चरणों की शोभा क्या है? चरणों में कैसे झांझरी, घुंघरी, कांबी है, करला है। पंजे की शोभा को देखो, नखों की शोभा में डूबो। एक नख के अंदर कितने करोड़ों सूर्य की रोशनी समाई है, तो अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी है। उन एक नख की शोभा को यदि हम देख लें तो रूह जो है उसको भी छोड़ नहीं पाती, वो उस चरणों की शोभा में खो जाती। उनके नैनों की शोभा देखो, नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकू, अरवा होए जो अर्श की सो खिन जाए भूल। परम धाम की आत्मा उन नैनों में डूब जाएगी, नैनों में इश्क के सागर लहरा रहे हैं। रूह जब उन नैनों के जब तीर रूह के धीरते में जाकर के चुभ जाते हैं, ये ऐसा तीर है त्रिगुड़ा निकलता नहीं, रूह भी उसमें से निकलना नहीं चाहेगी, उसमें डूब जाएगी। हमें किस में डूबना है सुंदर साहब जी? इन नैनों में डूबना, इन श्रवण अंगों की शोभा को हम डूबें। श्रवण कितने सुख देते हैं। सागर ग्रंथ में हम उस हकीकत को तो जाने, हमने देखा कि उनके श्रवण अंगों में क्या पहना हुआ, श्रवणों में करण फूल, इस शोभा को तो देखा, लेकिन श्रवणों के अंदर सुख कितने भरे हुए हैं। इन श्रवणों के कारण ही इस माया के संसार में आए, क्योंकि उन्होंने हमारे इश्क रबद को सुना, और इसी इश्क रबद के कारण धनी ने दिल में ले लिया कि मैं अपनी उस मार्फत की पहचान करवा दूं जो परमधाम में भी नहीं थी, उस साहिबी की पहचान करवा दूं। और धनी इन्हीं श्रवणों के कारण ही हमें इस लेकर के संसार में आए, माया के संसार में हमें, और अब हमें अपने एक अंगों की शोभा को दिखा करके हमें अपनी खुले अंग छाती का वर्णन करके बता। उनकी कमर की शोभा को देखिए, कमर कितनी पतली, कितनी कोमल, उज्ज्वलता से भरपूर, गौर वर्ण लिए, गुलाबी आभा लिए। हमने हारों का वर्णन तो सुना, लेकिन धामधनी की छाती का वर्णन आप करके हमें बता रहे हैं। गुलाबी आभा कहते मुझे कहनी पड़ रही है कि गुलाबी रंग, तो यहाँ हम सोचते हैं ना गुलाबी रंग की बात करते। वर्णन किया अर्श का, ले मसाला इत का, मसाला कहाँ का लिया, यहाँ का। वर्णन करके बताएं तो कैसे बताएं कि मेरी छाती की कितनी शोभा है। अब छाती की शोभा बताते हुए हमें उन्होंने गुलाबी रंग बताया, इसका वर्णन कैसे है? यदि किसी के प्रेम की बात करनी हो कि वो कितना प्रेम करते हैं, तो हम किसके उदाहरण लेंगे? प्रेम का वर्णन करना हो तो उदाहरण किसके लेंगे हम? मछली की। मछली किससे प्रेम करती है? जल से। वो जल के बिना रह नहीं पाती। कहते हैं कि किस कैसा प्रेम करना चाहिए, उस मछली जैसा प्रेम करना चाहिए, पक्षी जैसा नहीं। पक्षी क्या है, जैसे ही पतझड़ आती है वो उड़ जाता है, लेकिन मछली जो है भले ही पानी सूख क्यों ना जाए वो तड़फ तड़फ करके उसी में ही
अपना प्राण त्याग देती। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ उस शोभा में खो जाएंगी, वो इस शोभा के बिना एक पल भी रहेंगी नहीं। उनको ये पता चलता है कि मेरे धनी के दिल में कितने निधियाँ भरी, कितनी निधियाँ हैं, कितना प्रेम भरा हुआ है, उनके हृदय में कितना लाड है, उनके हृदय में कितना सुख भरे हुए हैं। और क्या भरा हुआ है उनके हृदय में? धाम धनी, हमें उस सौंदर्य की पहचान करो, छाती के सौंदर्य का वर्णन करके बता रहे कि उसमें कितना सौंदर्य है। सौंदर्य को रूह जब देखती है तो उसमें अटक जाती, उसमें से निकल नहीं पाती। सौंदर्य भी ऐसा नहीं कि कुछ कम है, पहले कम था अब बढ़ता जा रहा है, सौंदर्य बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। परम धाम है, घट बढ़ नहीं है। लेकिन कालिदास जी ने भी इसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सौंदर्य एक ऐसी चीज़ है जिसको जब रूह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको हम देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। रूह उस सौंदर्य में डूब जाती, उसको छोड़ना नहीं चाहती, एक पल के लिए भी छोड़ नहीं पाती। उनके हृदय में माधुर्यता के कितने सागर हैं। राजी का दिल माधुर्यता का सागर है। माधुर्यता कैसी? राजी की रसना क्या है? माधुर्यता से भरी हुई। नाम में जाको रसना, कैसी हो सी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होता है दिन माव। राजी के दिल में माधुर्यता का सागर है, उस माधुर्यता की पहचान हमें करवा रहे, उस वाहदत की भी पहचान करवा रहे हैं हमें यहाँ पर ला करके। हम उस वाहदत का सुख लेते थे लेकिन उसकी लज्जत हमें परमधाम में नहीं थी। हम कह तो देते हैं कि हम तीसरे सागर का सुख लेते थे वहाँ पर, दूसरा तीसरा जैसे बोल देते हैं, पांचवा सातवां। अगर हम उसकी लज्जत को जानते, उस वाहदत को जानते, तो हम इस माया के संसार में आते? राजी ने उस वाहदत की लज्जत हमें यहाँ पर आकर के दे रहे हैं। ये राजी के दिल में वो निधियाँ हैं जो अपनी रूहों को लाड के द्वारा देना चाह रहे, उस वाहदत की पहचान हमें यहाँ पर करवा रहे हैं। कि हम सब ने इश्क को बड़ा कहा, इश्क को बड़ा कहा, क्यों कहा इश्क को बड़ा? हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। अगर उस वाहदत की पहचान होती कि हमारे अंदर कौन है, हमारी निस्बत क्या है, उसकी भी पहचान हमें नहीं थी। राजी हमारे हृदय में सबके अंदर थे लेकिन पहचान ना होने के कारण ही हमने अपने इश्क को बड़ा कहा। अब राजी हमें यहाँ पर ला करके अपने उस हृदय के अंदर हमें डुबो रहे हैं, हमें उस निस्बत की पहचान भी करवा रहे हैं। निस्बत को जानते तो थे लेकिन वास्तव में निस्बत की मार्फत क्या है, हम किसका, हम कौन हैं, वो हमें पूरी तरह से पता नहीं था। उस निस्बत को यहाँ पर हमें बता रहे। हमने राजी को जुदा माना और यहाँ पर भी हम अपने आप को जुदा मान करके आज भी बैठे हूँ। मैं हक अरश में जुदे जानती ल्यावती, ल्यावती शब्द में वर्णन, मैं हक अरश में जुदे जानती, मैं परम धाम में किसको जुदे जानती थी? राजी को। ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच रोशन। राजी कहाँ हैं? हमारे दिलों में बैठे हों, हमारे हृदय में, सहरक से भी नज़दीक हैं वो, हमें इस वाणी के द्वारा हमें लाड दे रहे हैं, हमें पहचान करवा रहे हैं। जिन देखा हक हैड़ा, क्यों नज़र फेरे तरफ और, वाको वाही सूरत बिना आग लगे सब को।
जो राजी के रूह में दिल में रूह डूब जाती है, हक हैड़े को देख लेती है, हक हैड़े की शोभा में डूब जाती है, वो दुनिया को क्यों देखेगी, क्यों नजर फेरे तरफ। और वाको वाही सूरत बिना आग लगे सब ढोर, उसको लगता है मुझे संसार नहीं देखना, उसको संसार जहर के समान लगता है, क्योंकि उस शोभा में, उस सौंदर्य में, उस माधुर्यता में, उस चेतनता में, उस वाहिदत में, निस्बत में वो डूब जाती है। जैसे कि सुंदर साहब जी, छोटी सी मैं उदाहरण से बता रही हूँ, ये जो हमारे धनी का लाड है, जब हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा ना, तो संसार जहर की तरह लगेगा। जैसे कि अभी अभी कोरोना फैला, जिसको भी इस कोरोना ने ग्रसित किया, सबसे पहले उसको क्या लगा, उसकी जबान का स्वाद खत्म हो गया, उसको जबान की कोई नहीं पता चला, नमकीन है, मीठा है, कैसा है, कुछ नहीं पता, क्या खा रहे हैं उसको कुछ पता नहीं। ऐसे ही परमधाम की आत्माएं जब धनी की तरफ चलने लगती है, तो अपनी गुण अंग इंद्रियों से वो परे हो जाती, धीरे धीरे, जैसे कहा कि वो जो वायरस है और बड़ा आगे गया अंदर, उसने अंदर जाकर के ऐसा घर बना लिया। अब क्या हुआ, ये रोग इतना बड़ा फैला कि कोरोना जो है, आपको सबको मालूम है, जिसको भी लग जाता था सबसे पहले तो घर वाले दूर हो जाते, वो परे पास में नहीं आ रहे। क्यों पास में नहीं आ रहे, उनको मालूम है कि ये रोग हमें हो जाएगा, और यहाँ तक कि घर वाले निकाल करके कहाँ डाल देते हैं, हॉस्पिटल में, और भी दूर कर देते हैं। और ऐसे ही सुंदर साहब जी, जिसको भी ये प्रेम का रोग लग जाएगा, वो इश्क अंदर आ जाएगा, हक की हैड़े की शोभा उसके हृदय में बस जाएगी, तो संसार कैसे लगेगा, जहर के समान लगेगा, उसके सगे संबंधी उसे अच्छे नहीं लगेंगे, उसे संसार उसे छूट जाएगा। पहले तो अपने शरीर से भी मोह खत्म हो जाएगा, शरीर को भी छोड़ना है हमने, उस संसार को भी छोड़ना है, वो प्रेम जो है हम नहीं भी छोड़ पाएंगे, धीरे धीरे प्रेम आपता जाएगा तो ये मोह का संसार हमसे छूटता जाएगा। तभी तो कहा, हक हैड़े में यही बसे, मैं लाड पालूं रहूंगी। राजी हमें इश्क देने के लिए कैसे उपाय करते हैं, तुमको इश्क पुजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में छाग, हम अलमस्त हो जाएं उस प्रेम के अंदर, उस इश्क में डूब जाएं, हक हैड़े में डूब जाएं, उन नियामतों को ले लें जो हम, उनकी लज्जत ले लें, हुज्जत ले लें जो हम परम धाम में भी नहीं ले सके। अब धनी हमारे हमें सुख दे रहे हैं सुंदर साहब जी, हमें हमारी निस्बत की पहचान करवा रहे हैं, हमें क्या करवा रहे हैं, ताकि रूहों से ये संसार जो है छूट जाए, हमसे ये संसार नहीं छूट पा रहा, लेकिन धनी जो है उपाय करके हमसे छुड़वा रहे हैं। यहाँ पर भी हम सुंदर साथ को बुलाया, कैसे बुला करके, तालू रूह राजी, जब रूह कहते बच्चा दवाई नहीं लेता तो माँ क्या करती है, उसका हाथ पैर पकड़ करके उसके मुँह में डाल देती है, धनी भी हमारे तालू में वो प्रेम का रस दे रहे हैं इस श्रृंगार की वाणी के द्वारा। हमें इस श्रृंगार की वाणी जो है बहुत पहचान करवा रही है, आगे की पहचान करवा रही है, हमारी निस्बत की पहचान करवा रही है। तभी तो कह रहे हैं, यदि हमें उस निस्बत की पहचान हो जाए, उस वाहिदत की पहचान हो जाए, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, तो कभी भी वो खिलवत, खिलवत का मतलब क्या है, सिर्फ मूल मिलावा तो नहीं कह सकते, मूल मिलावा हम कहें कि ये वही खिलवत है, पूरा परम धाम ही खिलवत गाना है, जहाँ आशिक और मशूक की प्रेम में लीलाएँ होती हैं, वो शोभा वो श्रृंगार हमें अपने धाम हृदय में बसाना है। नख से शिख तक की शोभा को अपने हृदय में जब बसा लेंगे, हमारा दिल अर्श हो जाएगा, हमारे दिल में वो नियामतें सब आ जाएंगी जो धाम धनी हमें देना चाहते हैं, और हम उस खिलवत से अलग नहीं हो पाएंगे, वो खिलवत हमारे हृदय में आकर के बस जाएगी। जब वो शोभा हमारे हृदय में बस जाएगी, तो जो धनी हमें लाड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो
हम ले पाएंगे और वो लेगी कौन? तन असल अरश में जी, जिनके तन मूल तन परमधाम में हैं, जिनकी पारातम धनी के चरणों में बैठ करके उस लज्जत को लेने आई है इस संसार में, वो इश्क का सूत काटने के लिए आई है, वो प्रेम का सूत काटने के लिए यहाँ पर आई है, वो यहाँ पर आकर के अवश्य ही वो प्रेम का सूत काटेगी, उस प्रेम में डूबेगी, अपने धनी की शोभा को हृदय में बसाएगी, अपनी आत्मा को जागृत करेगी, अपनी जागनी के ब्रह्मांड में जो आने का हमारा असल कारण है, हमारा लक्ष्य है, जो हम ब्रज रास में भी नहीं कर पाए, वो लक्ष्य ये वाणी हमें लेके आई। तभी कहते कि ब्रज रास में तो हमारा लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य वो पूरा नहीं हो पाया। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो आखिर को ले आए रू अल्लाह नाथा आखिरी इलम पूरन। अब वो आखिरी इलम, वो सिंगार की वाणी जो धामधनी स्वयं लेकर के आए हैं, वो हमें ला करके हमारी उस निस्बत की पहचान करवा रहे हैं, हमें हमारे लाड को यहाँ पर आकर के दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। चुपाई दोहरा देंगे सुंदर साहब जी। हक हेड़े में यही बसे, मैं लाड पालूं रूहों के, ए हक हुजत आवे तीनों, तन असल अरश में जे, तन असल अरश में जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।